चल रहा है। देखो भाई, ये दो लोग आपको इसमें वीडियो में दिख रहे हैं, उंगली दिखा, ये आपको मालूम है एक ये और एक ये दोनों कौन लोग हैं? अभी सरकार का कोई ऑर्डर नहीं आया, उससे पहले ये लोग घरों में घुस के और NRC के बारे में कागजात और मालूम जमा कर रहे थे। वेलकम दोस्तों, कुछ लोग NRC और NPR के बहाने लोगों के घर घर जा कर के उनके डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट कर रहे हैं। मेहरबानी करके अपने डॉक्यूमेंट्स हर किसी से शेयर ना करें और ये बात दूसरों तक पहुंचाएं। ज्यादातर ये लोग प्राइवेट कंपनी से हैं, जो कंपनियों के लिए काम कर रहे हैं, उन्हीं के लिए डेटा कलेक्ट कर रहे हैं। ऐसे लोगों का NPR और NRC से कोई लेना देना नहीं है। और ये देखो, ये ऐसे आइडेंटिटी इनके फर्जी हैं और अभी तक सरकार की तरफ से कोई भी अलाउ नहीं हुआ है। प्राइवेट कंपनी, हाँ, ये सब प्राइवेट कंपनियां हैं और कंपनी के नाम पे ये लोग हमको गुमराह कर रहे हैं। तो अभी हमको गुमराह नहीं होना है, हमेशा चौकन्ना रहना है और पूरी जिंदगी चौकन्ना होकर गुजारना है। बड़ी खबर के बारे में बात करेंगे। हैदराबाद में NPR और सेंसस का काम शुरू हो जाएगा। 1 अप्रैल से इस काम को शुरू होने की बात हो रही है। वहीं हैदराबाद में लोगों ने कुछ अपने गेट के बाहर कुछ कागज लगा दिए हैं, जिस कागज में ये लिखा है कि आप अपने NPR से 7 सवालों को हटा लें तो हम NPR करने के लिए राजी हैं। वहीं दूसरी तरफ तेलंगाना में कैबिनेट मीटिंग हुई और कैबिनेट मीटिंग में ये फैसला हुआ कि के चंद्रशेखर राव को सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट के साथ साथ NPR पे भी स्टे लगाना चाहिए और NPR को भी लागू नहीं होने देना चाहिए। अगली बड़ी खबर के बारे में बात करेंगे, शाहीन बाग पे सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बारे में। सुप्रीम कोर्ट ने आज एक फैसला सुनाया है शाहीन बाग के ऊपर। सुप्रीम कोर्ट ने अपने बयान में कहा है कि प्रोटेस्टर्स को पूरा हक है प्रोटेस्ट करने का, लेकिन रास्ता जाम करने का हक नहीं है। कुछ कंप्लेंट्स मिल रही है जहां लोग ये शिकायत कर रहे हैं कि रास्ता बंद होने की वजह से उनका बहुत नुकसान हो रहा है। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने शाहीन बाग के प्रोटेस्ट करने वालों से गुजारिश करी है कि आप अपना प्रोटेस्ट कहीं और कर लें, रास्तों को ब्लॉक ना करें। लेकिन मैं आपके साथ एक मैप शेयर करना चाहता हूं, जिस मैप को देख करके आप पूरा समझ जाएंगे कैसे और कहां शाहीन बाग का इस वक्त प्रोटेस्ट हो रहा है, पुलिस ने कहां कहां बैरिकेड लगाए हुए हैं। जैसे कि आप इस मैप में देख सकते हैं, शाहीन बाग का प्रोटेस्ट ठीक बीच में है, लेकिन पुलिस ने जो बैरिकेड लगाए हुए हैं वो काफी दूर दूर तक लगाए हुए हैं और वहां पे बैरिकेड होने का और बैरिकेड लगाने का कोई मतलब नहीं। तो इससे साफ जाहिर होता है कि ये पुलिस की तरफ से जानबूझ करके रास्ता ब्लॉक करने की साजिश है। आगे देखते हैं सुप्रीम कोर्ट और क्या नए फैसले लेती है शाहीन बाग पर। नेक्स्ट हियरिंग मंडे की बताई जा रही है। वीडियो कैसी लगी आपको कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।